हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आईक्यू। और यहाँ से आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है, मैकेनिकल डिग्री क्या होता है, इस पे बात किया था। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझने वाले हैं, जिसमें आपका स्टार्टिंग का जो 4 टर्म्स लिखा हुआ है, जैसे कॉइल क्या होता है, टर्न क्या होता है, कॉइल साइड क्या होता है, स्लॉट क्या होता है, या फिर कहिए कॉइल साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से कंडक्टर बोलते हैं, और कंडक्टर को हम लोग शॉर्टकट में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर के 4 जो है काफी सिंपल और काफी इजी है, आप इससे फैमिलियर होंगे, राइट। लेकिन ये 2 चीज बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को, जैसे ये पोल पिच क्या होता है, अभी पोल पिच का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मशीन में, या फिर ये वाइंडिंग में इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। और दूसरा है आपका यहाँ पे कॉइल पिच, और कॉइल पिच में भी आपका 3 तरीके का आएगा, आपका शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होता है, लॉन्ग पिच कॉइल क्या होता है, कब हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल प्रेफर करेंगे, कब हम लोग फुल पिच कॉइल प्रेफर करेंगे, या फिर कहिए आपका ये जो कॉइल पिच फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोल पिच समझ गए, कॉइल पिच समझ गए, तो आपको कॉइल पिच फैक्टर भी समझ में आ जाएगा, और इससे आपका एक तरीके से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज बनेंगे आपके एग्जाम में। तो आज हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। और एक चीज और कि आपको यहाँ पे लेक्चर मिस नहीं करना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री अगर आपने नहीं समझा है, नहीं देखा है वीडियो, तो आपको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो पीछे का लेक्चर है उसका लिंक दे दिया जाएगा, और एक स्पेशल आपका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा मशीन वाइंडिंग करके, उसमें आपका पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो सिक्वेंस वाइज रहेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, अभी के लिए जो बेसिक टर्म्स है, उसको पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉइल की अगर बात करें कि कॉइल क्या होता है भाई, ठीक है, तो सिंपल वे में ये आपका वायर है यहाँ पे, राइट। अब ये जो वायर है ये कुछ ना कुछ लेंथ का होगा, एल मीटर का, ठीक है, मान लेते हैं एल मीटर का है। तो अगर इस वायर को मैं कुछ, ये जैसे मान लेते हैं पेन है, ओके, इस पेन पे अगर मैं इस तरीके से इसको लपेटना स्टार्ट करूं, ठीक है ना, तो इसको अगर मैं बाहर निकाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये आपका एक कॉइल बन चुका है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, कॉइल है। तो कॉइल कुछ नहीं भाई, कॉइल कुछ नहीं है, अगर आपने एक टर्न किया, ठीक है, ये जैसे अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक टर्न है, ठीक है, इस तरीके समझिए अपने आप में एक टर्न है। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीपल टर्न्स ऐड कर दूं, ठीक है, ये अपने आप में एक टर्न था, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न, ठीक है, यानी मल्टीपल टर्न्स अगर मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक कॉइल बन जाएगा, राइट। तो यही है सिंपल वे में कि अगर आपके पास कोई एल मीटर का वायर है, और इस एल मीटर के वायर को अगर आप मान लेते हैं इस तरीके से आप सर्कुलर शेप देते रहे, या फिर कहिए बुक में आपका कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है शेप को, ओके, और क्योंकि ये वायर है तो इसका 2 एंड होगा, एक ये वाला स्टार्टिंग और एक आपका एंडिंग। तो अगर एल मीटर के वायर से अगर आप एक टर्न बना रहे, एक बार लपेट रहे, ठीक है, तो इसका दोनों एंड टर्न इस तरीके से होगा। और वही अगर मान लेते हैं इसमें आपका ऐसा थोड़ा और लंबा वायर है, ठीक है, जिसके चलते आप 10 टर्न से एक तरीके से लपेट सकते हैं, तो जो 10 टर्न मिलकर के बनेगा उसको हम लोग कॉइल बोलेंगे, क्लियर हुआ। और आप लोकल मार्केट में जाइएगा तो उनके पास एक फ्रेम होता है, ठीक है, फ्रेम अगर मैं यहां पे बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है भाई, देखिए एक मान लेते हैं यहां पे है, एक यहां पे है, ठीक है ना। तो कॉइल जब आप लपेटेंगे, जब आप कॉइल लपेटेंगे तो मान लेते हैं यहां से आप लपेटना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का इस पे लपेटते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक साइज का कॉइल हुआ, जिसने देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। इसमें और भी होते हैं, इसमें एक और होगा ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा अगर आपको कॉइल बनाना है, थोड़ा बड़ा अगर आपको कॉइल बनाना है भाई, तो इस पे हम लोग लपेटेंगे इस तरीके से, ओके, तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा साइज का एक तरीके से कॉइल बनेगा, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका कॉइल, टर्न्स आपको क्लियर हो गया होगा, टर्न्स कुछ नहीं, एक एल मीटर के वायर को अगर आपने एक सर्कल, मतलब एक ही टर्न लपेटा, एक ही बार लपेटा, कुछ इस तरीके से हम लोग बोलते हैं सिंगल टर्न,
राइट और वही मल्टीपल्स टर्न ऐड कर दीजिएगा तो आपका कॉइल बन जाएगा। वही लिखा हुआ है व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स आर मेड यूजिंग अ वायर इज कॉल्ड कॉइल। नेक्स्ट है आपका कॉइल साइड। तो कॉइल साइड कुछ नहीं भाई, जैसे यहां पे हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटर की बात करें या फिर कहिए रोटर की बात करें, क्योंकि स्टेटर में भी आपका वाइंडिंग होता है और रोटर में भी वाइंडिंग होता है। तो जैसे अगर मैं स्टेटर को यहाँ पे समझाऊं तो ये मान लेते हैं भाई हम लोग का कुछ इस तरीके का स्टेटर, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं हम लोग। राइट, ये आपका स्टेटर है, इसमें कुछ इस तरीके के स्लॉट्स कटे होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, नीचे में भी थोड़ा दिखा देता हूं मैं इस तरीके से। अब इधर स्लॉट्स कटे हुए इसका मतलब क्या, अंदर में भी आपका हॉलो होगा, अंदर में भी आपका उस तरीके का ढांचा बना होगा। ओके, अभी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कॉइल को एक तरीके से प्रेस करते हैं। तो कॉइल अगर मैं दिखाऊं, जैसे सिंगल टर्न में यहां पे कॉइल दिखाता हूं, तो कुछ इस तरीके का आपका होता है, बुक के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये आपका सिंगल टर्न कॉइल। राइट, तो आप अगर स्लॉट में डाल रहे हैं तो सीधी सी बात है स्लॉट में जो जाता है भाई, ये आपका ये वाला एरिया जाता है या फिर ये वाला हिस्सा जाता है आपका। ओके, जैसे अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये अपने आप में एक स्लॉट है, तो मान लेते हैं ये इसके अंदर से जा रहा है, अंदर होते हुए जाएगा इस तरीके से, और ये पीछे से, इसको बैक कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, इसका कितना पीछे कॉइल पीछे है उस बेसिस पर भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आप एक स्लॉट है, तो इसमें से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से निकाल करके इसमें से निकाल दे रहे हैं, क्लियर हुआ। तो जो कॉइल का पोर्शन आपके स्लॉट में होता है, स्लॉट वाले हिस्से में होता है, देख रहे हैं इतना दूर क्या है, ये पूरा का पूरा आपका स्टेटर का स्लॉट है, इस साइड में भी क्या है, पूरा का पूरा स्टेटर का स्लॉट। ओके, तो कॉइल का जो हिस्सा, और कॉइल में भी क्या है, दो साइड है ना, एक तो ये है मतलब ये वाला एक जाएगा स्लॉट में, एक ये स्लॉट कवर करेगा और एक ये स्लॉट कवर करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं दो कॉइल साइड्स हैं। ठीक है, एक ये कॉइल साइड हुआ और एक ये दूसरा कॉइल साइड हुआ, मतलब एक कॉइल में या फिर कहिए सिंगल टर्न कॉइल में दो कॉइल साइड्स होते हैं, और कॉइल साइड्स को ये हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। यानी एक सिंगल कॉइल के अंदर आपका क्या होगा, दो कंडक्टर होगा यहां पे, और ये कंडक्टर क्योंकि स्टेटर में डाला गया, स्टेटर के स्लॉट्स में डाला गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉइल साइड। तो क्या लिखा हुआ है, और इसी को हम लोग एक्टिव पोर्शन भी बोलते हैं। एक्टिव पोर्शन क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम लोग यहां पे 3D डायग्राम ले, ये मान लेते आपका नॉर्थ पोल है और इधर मान लेते आपका साउथ पोल है। ओके, तो अभी अगर यहां पे हम लोग कंडक्टर को प्लेस करेंगे, वही एक कॉइल को मान लेते हैं प्लेस कर रहा हूं मैं, वही सिंगल टर्न वाले कॉइल को, तो आप देख रहे हैं भाई यहां पे कि नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड में ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही वाला हिस्सा एक तरीके से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो ये वाला हिस्सा और एक आपका ये वाला हिस्सा, क्लियर हो रहा है। बाकी का जो ये है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है एक तरीके से। ठीक है, ये जो नॉर्थ पोल बनाया है भाई, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए आगे तक। ओके, ये तो मैंने यहाँ पे काफी रफ डायग्राम बनाया है। राइट, तो ये वाला जो हिस्सा मेन मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है और एक ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइड, या फिर कहिए आप इसी को बोल सकते हैं कॉइल साइड्स। ठीक है, तो दो साइड आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉइल साइड, इसको ए बोल देते हैं, यानी ए डैश बोल रहे हैं तो इसको आप ए बोल सकते हैं एक तरीके से। और ये जो पीछे से ऐसे कनेक्शन होते हुए आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक कनेक्शन। और बैक कनेक्शन जो है, क्योंकि
बाहर है, किसके बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव साइड ऑफ द कॉइल। तो पैसिव साइड भी दो होता है, एक तो बैक साइड से यानी बैक कनेक्शन और एक आपका ये फ्रंट कनेक्शन। ओके, अब ये जो तार है इसको कहां लेकर के आते हैं, डीसी मशीन के केस में हम लोग कम्यूटेटर पे लेकर के आते हैं, और वही अगर आपका एसी मशीन होगा तो उसको फिर हम लोग स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉइल साइड क्या होता है या फिर कहिए कंडक्टर क्या होता है। और अगर हम लोग यहां पे अगेन सिंगल टर्न, ठीक है, सिंगल टर्न कॉइल की कॉइल के लिए बात करें, तो ये क्योंकि अपने आप में एक ही टर्न है भाई, तो इसमें मात्र दो कंडक्टर होंगे, एक तो ये वाला और ये आपका दूसरा, यानी सिंगल टर्न कॉइल में जो कंडक्टर का संख्या होता है ये दो होता है। लेकिन अब मान लेते हैं मैं मल्टीपल टर्न का कॉइल लेता हूं, मल्टीपल टर्न का कॉइल कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं इसको। मल्टीपल टर्न का मतलब हुआ भाई कि आप जो है एक तरीके से, या फिर ऐसा समझिए एक आपने ये कॉइल बनाया, फिर इसको फिर दूसरा कॉइल बनाया, फिर तीसरा कॉइल बनाया, फिर चौथा कॉइल बनाया, पांचवा कॉइल बनाया, और इसको जब ऐसे सप्रेस कीजिएगा, जब इसको दबा दीजिएगा, तो आपका कुछ इस तरीके का कॉइल बनेगा। ठीक है, इसमें मान लेते हैं मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा देख ये यहां से आया, अब ये इधर नहीं जाएगा नीचे, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग हुआ, तार का जो है स्टार्टिंग हुआ, और इसको फिर से क्या कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको रिपीट करते चले जा रहे हैं। ओके, और इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो कितना टर्न लगाया हम लोगों ने, ये आपका पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, ठीक है। और आपको पता है कि सिंगल टर्न में आपके दो कंडक्टर होते हैं, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तब खुद काउंट कर लीजिए, एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर, चार कंडक्टर, ठीक है, चार कंडक्टर इधर हो गए और बाकी के चार कंडक्टर इधर हो गए, यानी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, आठ कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी अगर आपका चार टर्न का कॉइल है तो उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होते हैं, आठ। अगर आपका एक टर्न का कॉइल है तो उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होते हैं, दो। उसी तरीके से अगर आपका तीन टर्न का कॉइल है तो उसमें कंडक्टर कितने होंगे, तीन, तो इस साइड हो जाएंगे, जैसे यहीं पे आप देख लीजिए सिर्फ तीन लीजिए ना, तो तीन तो आपका इधर वाला कंडक्टर हो जाएगा और तीन इधर का, यानी छह होते हैं एक तरीके से। ओके, यानी कॉइल जितना होगा, जैसे कॉइल अगर आपका दस टर्न का है तो उसमें डबल होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, ओके, तो उसमें बीस कंडक्टर हो जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा वापस आते हैं, देख यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ था, तो डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। कॉइल क्लियर हो गया होगा, कॉइल साइड क्लियर हो गया होगा, स्लॉट्स क्लियर हो गया होगा। स्लॉट्स कुछ नहीं भाई, ये जो मैंने यहां पे बताया ना इस तरीके के, ये स्लॉट। तो स्लॉट क्या होता है, स्पेस वेयर कंडक्टर आर प्लेस्ड इन अ रोटर और स्टेटर, क्योंकि स्लॉट जो होते हैं रोटर पे भी होंगे और स्टेटर पे भी होंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन पे आते हैं, क्योंकि हम लोग का जो चार होता है, टर्न क्या होता है, कॉइल क्या होता है, कॉइल साइड क्या होता है, स्लॉट्स क्या होता है, खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पोल पिच क्या है, कॉइल पिच क्या है, और पोल पिच कॉइल पिच समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे अपना जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री, इसको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक मशीन बनाना होगा भाई, तो ये मान लेते हैं आपका, यहाँ पे हमेशा मैं दो पोल लेकर के चलूंगा ताकि समझने के लिए इजी हो। ये मान लेते आपका नॉर्थ है और ये मान लेते आपका साउथ है, ओके, और इसको अगर आप फ्रेम में बंद करना चाहते हैं तो फ्रेम में भी बंद कर सकते हैं इस तरीके से, ओके, ये हो गया आपका स्टेटर एक तरीके से, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं यहां पे बताऊं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बनाते हैं, ये नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड टाइप, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है बाहर निकला हो भाई। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दूं, जो हम लोग छज्जा बोलते हैं ना, घर का जो छज्जा होता है, जैसे अगर मान लेते हैं आपका जो जमीन है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल जमीन है, ठीक है, मान लेते हैं
इधर आपका 30 फीट है और इधर भी मान लेते आपका 30 फीट है, राइट। तो ये आपका एक्चुअल जमीन है, लेकिन मान लेते इधर से आपका मेन रोड गया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक तरीके से रोड गया हुआ है, राइट। या फिर कहिए आपने 2 फीट जमीन छोड़ करके अपना, या फिर 3 फीट जमीन छोड़ करके अपना घर बनाया। सो ऊपर में क्या करते हैं, एरिया तो आपका इतना ही है, ठीक है, लेकिन जो आपका लॉबी होता है वो लॉबी क्या होता है, एरिया से बाहर निकला हुआ रहता है इस तरीके से। मतलब 3 फीट का अगर आपने छज्जा निकाल रखा है तो क्या हो जाएगा आपका, वो प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ओके। तो ये आपका क्या है, मशीन का जो एक्चुअल पार्ट है उससे ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए सो बोलते हैं प्रोजेक्टेड डिजाइन, राइट। तो अगर आपको ऐसा है डिजाइन, तो यहाँ पे अगर हम लोग को ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाना है, यहाँ पे कुछ नहीं भाई, सिंपली हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं, क्लियर हुआ, यहां से ला करके फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां पे ले आइए आप, ओके, इसको आप यहां से जोड़ दीजिए और एक तार यहां से जो निकलेगा तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, एक तार यहां से निकलेगा इसको बाहर निकाल लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं यहां पे मैं प्लस देता हूं, ठीक है, तो करंट क्या होगा आपका, इस तरीके से जाएगा इसमें, सही बात है, और ये फिर यहां से होते हुए ऐसे निकलते हुए ये आपका फिर इस तरीके से आएगा, क्लियर हुआ। तो यहां पे देखिए ये आपका पाम, मतलब आपका ये चारों फिंगर को एक तरीके से टर्न करना पड़ेगा डाउनवर्ड, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक है, ओके। तो ऑटोमेटिक आपको क्या देगा, ये थंब इस साइड में बताएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा इस साइड में बनेगा, यानी इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर आपका साउथ बन जाएगा, क्लियर हुआ। या फिर कहिए किसी किसी बुक में यही चीज आपका कुछ इस तरीके से दिखाता है, जैसे अगर आप इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं, देखिए भाई, अगर आप यहां पे देखें, इस वाले पोर्शन को देखें, यहां पे ये क्या है, तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा है ना, बाहर की तरफ निकल रहा, तो क्या ये पीछे से घूम करके आ रहा है, ये ऐसे निकल रहा है भाई, समझ रहे, ऐसे निकल रहा है, मतलब इस पोजीशन को देखें तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर तरफ ऐसे निकल के फिर अंदर ऐसे घुस रहा है, क्लियर हुआ। तो हम लोग को पता है कि कहीं पे भी बाहर से निकलता है उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये डॉट दिखाया जाएगा। यहां पे भी देखिए ये करंट ऐसे गया, फिर पीछे से घूम करके फिर यहां से क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी यहां पे भी डॉट दिखाएंगे, ये भी आपका ऑटोमेटिक डॉट हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ घुस रहा है, यहां पे जो करंट आ रहा है ऐसे ऐसे, फिर ये अंदर की तरफ चला गया, देख रहे हैं, तो अंदर तक जाता है, उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, यहां पे भी क्रॉस, यहां पे भी क्रॉस, क्लियर हुआ। तो अब देखिए इनके चलते, क्योंकि ऊपर में आपका डॉट बन रहा है, थोड़ा सा यहां पे बनाता हूं, ये डॉट बन रहा है ऊपर में, तो डॉट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कैसा बनता है बताइए, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, हमको बाहर की तरफ निकालेंगे क्योंकि करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करता है, आपका क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा भाई, ठीक है, इस तरीके का आपका यहां पे बनेगा। और वही अगर हम लोग नीचे वाले में बात करें, यहां पे क्रॉस है, तो क्रॉस मतलब थंब को अंदर डालिए, इस तरीके से घूमेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब इस बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं नॉर्थ किधर बनेगा, साउथ किधर बनेगा, कैसे, तो देखिए ऊपर वाला देख रहे हैं, यहां पे भी एक तरीके से क्रॉस है, मतलब ये इधर की तरफ भाग रहा है ना, और इसका भी इधर की तरफ भाग रहा है एक तरीके से, क्लियर हुआ। यानी ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका, क्योंकि निकल रहा है डॉट हो जाएगा, यहां पे आपका क्रॉस हो जाएगा, तो यहां पे आप देख लीजिए ये अगेन क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा आपका अगेन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ओवरऑल आपका यहां पे भी देखिए ये जो है, यहां पे इसको देखना होता है, ये इस डायरेक्शन में टुवर्ड पॉइंट कर रहा है, ये भी आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये भी आपका इस डायरेक्शन में, और ये भी आपका इस डायरेक्शन में, यानी ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कुछ इस तरीके का जाएगा, ओके। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी किसी बुक में डॉट क्रॉस से भी दिखाता है, किसी किसी में आपका इस तरीके से बस दिखा देगा कि बाहर की तरफ या फिर डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड जा रहा है इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो अभी वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूं मैं और डायग्राम में बना लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग स्टेटर पे बात कर रहे हैं,
तो क्योंकि ये दो पोल का मशीन लिया हुआ भाई हम लोगों ने, तो हम लोग को पता है कि दो पोल मशीन में अगर हम लोग ये नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहें, ठीक है, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना दूरी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मशीन में जो डिस्टेंस मेजर करना होता है वो दो टर्म में मेजर करते हैं हम लोग, यहाँ पे मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे ये कितना डिस्टेंस है। इसको हम लोग नापते हैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक मैकेनिकल डिग्री या फिर कहिए इलेक्ट्रिकल डिग्री। ओके, जो भी हम लोग का दो एडजेसेंट पोल के बीच में जो दूरी है उसके लिए हम लोग ये दो वर्ड यूज करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ओके, और क्योंकि नाम में ही पता चल रहा है, अगर मैं यहां पे लिखूं कि हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा है पोल पिच, तो नाम में ही पता चल रहा है पिच का मतलब क्या होता है। जैसे आपने क्रिकेट पिच का सुना होगा, तो क्रिकेट पिच क्या होता है, दो विकेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, मान लेते हैं पहला विकेट यहाँ पे है और दूसरा विकेट आपका यहाँ पे, ठीक है, तो दो विकेट के बीच में डिस्टेंस होता है ना, राइट, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ओके, तो वही है, पोल पिच का मतलब क्या है कि दो एडजेसेंट पोल के बीच में कितना दूरी है उसको नापने के लिए हम लोग मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंगल यूज करते हैं, यानी मैकेनिकल डिग्री में भी नाप सकते हैं आप और इलेक्ट्रिकल डिग्री में भी आप नाप सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म है दिमाग में, इसको आपको रखना होगा कि जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे, फिर चाहे दो पोल के बीच का दूरी हो, उसको हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिकल डिग्री में ही मेजर करते हैं भाई। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री में ही क्यों मेजर करते हैं, अभी आपको यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहले टू पोल मशीन पे आप लोग काउंट करते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ, मान लेते हैं यहां पे आप खड़े हैं तरीके से, ठीक है, और आपने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया इस तरीके से, तो सीधी सी बात है कितना एंगल एक तरीके से ट्रेवल कीजिएगा। फिर कहिए आप यहाँ पे कॉइल रखिए ना, यहाँ पे कंडक्टर है, इसको अगर आप नॉर्थ से इस तरीके से घुमाते हुए साउथ में लेकर के जाएंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे आपका अगर मैकेनिकल डिग्री की बात करें तो मैकेनिकल डिग्री तो आपका 180 डिग्री आएगा ना, ये आपका कितना हुआ 180 डिग्री आपने एक ट्रिप ट्रैवल किया है। और क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा था भाई कि दो पोल मशीन के जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है और मैकेनिकल डिग्री क्या होता है, दोनों सेम होता है, 360 360 होता है। ओके, मतलब एक चक्कर आप लगाएंगे पूरा का पूरा तो कितना मैकेनिकल एंगल बनेगा 360, और वही इलेक्ट्रिकल में भी देखेंगे तो कितना बनेगा, इलेक्ट्रिकल में भी आपका 360 बनेगा। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं, ये मान लेता हूं कंडक्टर पड़ा हुआ है तो इनके बीच में ये क्या हो गया, एक तरीके से बाउंड्री हो गया, राइट। तो ये क्योंकि नॉर्थ में पड़ा हुआ है यानी डेंस मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो सीधी सी बात है ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ, तो आपका ग्राफ जो होगा यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको मैं ए मान लेता हूं, ए पोजिशन है, ये मेरा बी पोजिशन है, ये मेरा सी पोजिशन है, ये मेरा डी पोजिशन है, राइट। तो ए से अगर हम लोग बी पे जाएंगे तो ए क्योंकि मैक्सिमम पे है, तो मैक्सिमम आपका वोल्टेज होगा ये हो गया मेरा बी, बी पे मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स मेरा जीरो हो जा रहा है। अब बी से अगर आप साउथ की तरफ आएंगे यानी धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, साउथ को हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव अज्यूम किया है, तो ये आपका इस तरीके से होगा, ये कहाँ तक है, यहाँ तक, क्योंकि सी पे आपका मैक्सिमम मैक्सिमम दिखा दिया। अब सी से जब डी की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो गया, तो ये धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जब बी से फिर से वापस ए पे जाएंगे, क्योंकि यहां से हम लोग नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, यानी फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो ये वाला अपने आप में 180 डिग्री का साइकिल है, ये 90 और ये 90, तो इलेक्ट्रिकल कितना बना, ये भी तो 360 ही बन रहा है, तो दो पोल में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, 360 360। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो एडजेसेंट पोल के बीच का दूरी, ठीक है, तो दो एडजेसेंट पोल का दूरी क्या है, इस नॉर्थ के सेंटर से अगर आप यहां तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल डिग्री भी आपका 180 ही होगा और इलेक्ट्रिकल डिग्री भी आपका 180 ही होगा। अब हम थोड़ा सा चार पोल की मशीन पे आते हैं, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। चार पोल मशीन के लिए भाई यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग को टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। ये मान लेते हैं आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मान लेते हैं साउथ पोल है, और यहाँ पे अगेन मान लेते हैं नॉर्थ है, और ये हो गया आपका अगेन साउथ। चार पोल मैंने यहाँ पे दिखा दिया, पी इक्वल टू 4। अब देखिए, अब अगर हम लोग दो पोल के बीच का दूरी मेजर करें, ठीक है, सेंटर टू सेंटर हम लोग हमेशा मेजर करते हैं, ये दूरी अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो दो चीज में मेजर कर सकते हैं, मैकेनिकल डिग्री में भी और इलेक्ट्रिकल डिग्री में भी। मेरे को बताइए, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट की तरह बाइसेक्ट कर दूं ताकि हम लोग के लिए इजी हो,
इसको मान लेते ऐसे में बाइसेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो बताइए अगर आप यहां पे हैं तो यहां से दौड़ते हुए जाएंगे यहां पे तो कितना डिग्री आपका मैकेनिकल बना, फिजिकल एंगल कितना बनाया आपने, यही तो दूरी कवर किया है। तो ये दूरी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी यहां पे दो एडजेसेंट पोल के बीच का जो दूरी होगा यहां पे किसमें, मैकेनिकल डिग्री में, ये है आपका 90, ठीक है 90 डिग्री। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल में काउंट करके देखते हैं, तो क्योंकि हम लोग पता है साउथ पोल है नॉर्थ पोल, इसके बीच में कोई ना कोई सेंटर लाइन होगा जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा होगा, सही बात है। तो अब देखिए यहां पे अगर हम लोग ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिकल डिग्री का, तो अभी आप साउथ रीजन में है और साउथ को मैंने यहां पे नेगेटिव अज्यूम किया और क्योंकि एकदम बीचों बीच है, इसका मतलब क्या मैक्सिमम आपको मिलेगा ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है यहां से स्टार्ट होगा। मान लेते पोजिशन ए है, ओके इसको मैं नाम दे रहा हूं पोजिशन ए, ये हो गया पोजिशन बी, ये हो गया पोजिशन सी, ओके। तो पोजिशन ए पे क्योंकि साउथ में है तो ये मैक्सिमम चलेगा और साउथ से आप किधर जा रहे, धीरे 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 यहां पे पहुंच रहे हैं, यानी जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, यानी ये धीरे धीरे ऐसे जाएगा और यहां पे आपका जीरो हो जाएगा, यानी ये कौन सा पोजिशन है, बी पोजिशन है आपका। अब बी से हम लोग को कहां जाना है, सी पे जाना है, ठीक है। तो सी बी से सी की यानी नॉर्थ एक पोल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे नॉर्थ के नजदीक जा रहे हैं, यानी ये कुछ इस तरीके का जाएगा, क्लियर हुआ। तो बताइए यही तो है, इतना ही तो आपने कंडक्टर को घुमाया है इस साउथ से इस नॉर्थ तक आपने लेकर के गया है, राइट। तो कितना हो गया, ये आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री और ये आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री, यानी कितना आया यहां पे आपका 180 डिग्री। यानी चार पोल के लिए अगर आप दो एडजेसेंट पोल के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में ये आपका आएगा 180 डिग्री, समझ गए, 180 डिग्री आ रहा है आपका। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छह पोल के लिए देखते हैं। तो छह पोल के लिए पहले मैं बना देता हूं, मान लेते हैं यहां पे नॉर्थ है, इधर मेरा साउथ है, कलर थोड़ा हम लोग डार्क यूज करते हैं, मैं भी आपको दिखेगा नहीं, और यहां पे इसको नॉर्थ करते हैं, फिर एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे मैं डॉट कर देता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको अगर एक्सिस में बाइसेक्ट करना है तो इसको इसके साथ कोरिलेट कर दीजिए, इसको इसके साथ कोरिलेट कर दीजिए और इसको इसके साथ कोरिलेट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका छह पोल का मशीन बना हुआ है, ओके। तो अब हम लोग अगेन दो एडजेसेंट पोल के बीच में दूरी मेजर करते हैं, नॉर्थ से अगर आप साउथ जा रहे हैं, ओके। तो अगर आप भाई नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो कितना मैकेनिकल डिग्री में आप इसको गिनेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नॉर्थ साउथ लगाते हैं क्योंकि ये पूरे का पूरा सर्कल है, मतलब क्या कि 360 डिग्री का एक तरीके से स्टेटर फ्रेम है। अब इसमें छह पोल लगाना है, इसमें तो छह से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 यानी 60 डिग्री पे, ये जो पोल लगे हुए हैं इनके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री पे है, समझ गए, ये 60 है, ये भी 60 है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप इस नॉर्थ से आप साउथ की तरफ भागेंगे तो कितना मैकेनिकल एंगल बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, राइट। लेकिन अभी हम लोग अगेन इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो थीटा मैकेनिकल आएगा वो आपका आएगा 60 डिग्री, किसके लिए, जब आप 6 पोल मशीन पे काम कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री में अगर इसको मेजर करें तो इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा होगा, राइट। तो अब देखिए यहां पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका कंडक्टर यहां पे, तो अगर हम लोग यहां पे सिग्नल का डायग्राम बनाएं, तो इस पोजीशन पे है क्योंकि नॉर्थ को पॉजिटिव माना मैक्सिमम पे, तो यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आते क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से साउथ के रीजन में जा रहे हैं इस तरीके से, और साउथ में आप पहुंचे तो मैक्सिमम पे होगा नेगेटिव, राइट। तो अगेन देखिए तो ये आपका पूरा का पूरा 90 और ये आपका पूरा का पूरा 90, यानी अगेन दो एडजेसेंट पोल के बीच का जो दूरी आ रहा है इलेक्ट्रिकल में, ये अगेन कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री, क्लियर हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो पोल में भी क्या था, इलेक्ट्रिकल डिग्री मेरा 180 ही आया, चार पोल में भी मेरा इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 आया और छह पोल में भी मेरा 180 ही आ रहा है। उसी तरीके से आठ पोल के लिए भी देखते हैं थोड़ा सा, देखिए
8 पोल के लिए अगर हम लोग बनाए यानी 45-45 में बनेगा हम लोग का, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ राइट। तो दो एडजेसेंट पोल के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस नापेंगे, सबसे पहले मैकेनिकल में नापते हैं तो 45 डिग्री आ जाएगा राइट। 45 डिग्री कैसे निकाल दिया, कल वाले लेक्चर में ही बताया था मैंने आपको कि 360 डिग्री पूरा का पूरा सेंटर फ्रेम है, उसमें आपको 8 पोल लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री आएगा, और ये 45 डिग्री कुछ नहीं क्या है, मैकेनिकल एंगल है, यानी यहां से अगर आप दौड़ेंगे साउथ तक तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री आपका वर्क करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री में अगर इसको देखें तो सीधी सी बात है, नॉर्थ साउथ के बीच में एक सेंटर लाइन होगा जहां पे आपको ये मतलब नॉर्थ और साउथ को अलग कर रहा होगा, तो यहां पे आप कंडक्टर है, ठीक है। यहां से अगर आप सबसे पहले इसको बना लीजिए ना, वही चीज तो है, नॉर्थ को पॉजिटिव माना था, यहां से लेगा यहां पे, यानी इस पोजीशन पे पहुंचेगा सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा, फिर यहां से आप पहुंचेगा तो अगेन यहां पे हो जाएगा। तो अगेन देखिए 90 और 90 180, यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री आपके दो एडजेसेंट पोल में अगर आप काउंट करते हैं तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री अगेन। यानी अगर आप किसी भी पी पोल मशीन के ऊपर बात करें और उनमें दो एडजेसेंट पोल के डिस्टेंस को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिकल डिग्री में लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग को एक सहूलियत देता है कि आप किसी भी पी पोल मशीन के लिए काम करें कि हमेशा 180 ही आएगा। लेकिन वही मैकेनिकल डिग्री में आप देख रहे हैं अलग अलग हो जा रहा है भाई, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं, दो पोल मशीन पे जो हम लोग थे तो यहां पे आपका मैकेनिकल डिग्री कितना आ रहा था 180 डिग्री, मैकेनिकल लिख रहा हूं, मैकेनिकल के भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल तो हमेशा कांस्टेंट रहा है 180 180, समझ गए। चार पोल पे अगर हम लोग देखें तो ये आ जा रहा था आपका 90 डिग्री दो पोल के बीच का दूरी। छह पोल पे देखें हम लोग तो यहां पर आ जा रहा था आपका 60। 8 पोल पे देखे अगर तो यहाँ पे आ जा रहा था हम लोग का 45। देख रहे हैं मैकेनिकल डिग्री आपका फ्लैक्चुएट कर रहा है, चेंज होते चला जा रहा है जैसे जैसे आप पोल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वही आदमी समझ सकता है जिसको मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब क्योंकि आपको क्लियर हो चुका है तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैकेनिकल डिग्री में भी नाप सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मास्टर बनते चले जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री में ही नापे आप, इलेक्ट्रिकल डिग्री में बुक में इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये बच्चों को समझने के लिए ईजी होता है, क्योंकि उन लोग को इसमें फोकस नहीं होगा, बस रट लेंगे कि 180 होता है डायरेक्ट, ठीक है, किसी भी पी पोल मशीन के लिए। तो ये हम लोग को मतलब हेल्प करता है, लेकिन ये जो है ये आपके कॉन्सेप्ट को बताता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप चाहे तो 45 डिग्री भी लेकर नाप लीजिए, आप बोल सकते हैं सर सीधे सीधे इंटरव्यूअर को कि 8 पोल में आपका जो दो एडजेसेंट पोल के बीच में जो दूरी होगा मैकेनिकल डिग्री में 45 होगा, 6 पोल में आपका 60 होगा, ओके। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का बात है, बाकी आप डिस्टेंस को किसी में भी लीजिए। जैसे मान लेते हैं मैं अगर यहां से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, तो 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर को मैं मीटर में भी बता सकता हूं, सेंटीमीटर में भी बता सकता हूं। ये डिफाइन करता है कि आपका मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का कितना डीपली क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट, ओके, वही चीज यहां पे चल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया पोल पिच क्या होता है। पोल पिच कुछ नहीं भाई, दो एडजेसेंट पोल के बीच में दूरी, और उसको नापने के लिए हम या तो इलेक्ट्रिकल डिग्री यूज करते हैं या तो फिर कहिए मैकेनिकल डिग्री यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट कॉइल पिच के ऊपर, तो अगेन मेरे को फोटो बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करता हूं। तो यहां से हम लोग थे कॉइल पिच के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने एक सिंगल टर्न का कॉइल बनाया है। सिंगल टर्न कहने का मतलब सिंगल टर्न कॉइल मतलब क्या हुआ, किसमें अगर कंडक्टर को देखें हम लोग तो एक तो ये वाला पोर्शन हुआ, या फिर कहिए ये कॉइल साइड है जिसको मैंने ए दे दिया है ना, और दूसरा आपका ये ए डैश हो जाएगा, यानी टोटल कंडक्टर यहां पर अगर देखें तो दो, ताकि आपका रिवाइज भी होते चले, ओके, कंफ्यूज ना हुआ। तो अभी इसको अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के बताऊं, और क्योंकि यहां पे अगेन मैंने पिच वर्ड यूज किया कॉइल पिच, तो अभी जस्ट बताया था मैंने पिच का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस है, इस तरीके से दो क्रिकेट विकेट के बीच में जो डिस्टेंस उसको पिच बोल रहे हैं ना, राइट। तो अभी जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक सिंगल टर्न का कॉइल है ना, एक ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, और ये एक दूसरा कंडक्टर हो गया। तो अब देखिए भाई इन दोनों के बीच में ऐसे अगर मैं दिखाऊं इसको ऐसे टाइट करके, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, जैसे अगर मैं पेन से नाप के दिखाऊं तो ये आपका क्या है, एक कंडक्टर ए मान लेते हैं, इसको कंडक्टर ए डैश मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में दूरी है एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो दूरी है एक तरीके से 5 उंगली के बराबर है, इस तरीके से ऐसे, राइट, या फिर कहिए ये एक
पेन का जो विड्थ है आपके पेन का जो लेंथ है उतने के बराबर है, ठीक है। तो ये सब मशीन में वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगेन देख रहे हैं कि ये जो दूरी है ए और ए डैश के बीच में, इसको नापने के लिए हम लोग यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री यूज करते हैं। पूरे मशीन में अगर आपको डिस्टेंस नापना है तो हम लोग दो ही चीज यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिग्री या फिर कहिए मैकेनिकल डिग्री। ओके, तो अब समझिए यहाँ पे अगेन हम लोग एक फोटो बनाना पड़ेगा। फुल पिच क्या होता है, शॉर्ट पिच क्या होता है, लॉन्ग पिच क्या होता है, आपको क्लियर हो जाएगा आज। ये मान लेते हैं भाई आपका नॉर्थ पोल है, या फिर कहिए एक और तरीका बताता हूं मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाने का, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाने का। हर तरीके से सीख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये मान लेते आपका स्टेटर हो गया, और इस स्टेटर में मैं क्या कर रहा हूं, और अभी हम लोग दो ही पोल बनाना चाहते हैं भाई, ठीक है। सिंपल कोई भी चीज समझना है तो दो पोल से आप ले करके चलिए, ज्यादा बेटर होगा। तो दो पोल बनाने के लिए, दो पोल कैसे बनेगा बताइए। जैसे मान लेते हैं यहां पे एक स्लॉट है और एक स्लॉट यहां पे, ठीक ना, बस दो ही मैंने इसमें ड्रिल कर दिया, छेद कर दिया। ये पीछे की तरफ प्रोजेक्टेड होगा ना, समझ रहे बात को, ऐसे समझिए पीछे की तरफ निकला हुआ होगा। ओके, तो इसके अंदर पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक तार डाल रहा हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो तार होगा, ये तार पूरा पूरा पीछे से होकर के ऐसे पीछे से बैक कनेक्शन होते हुए फिर आपका इस तरीके से निकल करके आ रहा होगा, है ना। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दे देते हैं और एक आपका नेगेटिव दे देते हैं। तो इधर आपका क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है और ये आपका ऐसे निकल रहा है। तो इतना ना दिखा करके हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग क्रॉस दिखाएंगे, क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे डॉट दिखा देंगे, क्लियर हुआ। अब अगेन ये क्रॉस है तो क्रॉस ऐसा मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अब आप बोलिए तो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है भाई हमेशा लो रिलक्टेंस पास फॉलो करता है, तो ये बाहर भी निकलेगा क्योंकि बाहर में एयर एयर है ना, एक तरीके से एयर का रिलक्टेंस हाई होता है कंपेयर टू जो आपने मेटल यूज किया। ये जो स्टेटर है आपका क्या है, ये फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया। और यहाँ पे देखिए तो क्योंकि बाहर तरफ निकल रहा है ऐसे मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्रॉस है, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड 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 यहाँ पे आपका ये इस तरीके से। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आपको नीचे की तरफ बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे आपका साउथ पोल बनेगा, क्लियर हुआ। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसको अगर मैं मिटा दूं, पूरा पूरा मिटा देते हैं हम लोग, देखिए तो वही है कि आप ऐसे भी मान के चल सकते हैं, वैसे मान लो, तो जैसे आपको वो बनाना भाई, ठीक है। इससे पहले वाला जो बताया था मैंने स्टेटर, वो प्रोजेक्टेड था, बाहर से पोल निकला हुआ था, ये क्या है इसी में आपका बन रहा है, ये प्रोजेक्टेड नहीं है एक तरीके से डिजाइन। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे आपका साउथ पोल बना, राइट। अब जैसे भाई मान लेते हैं मैं इसमें रोटर डाल रहा हूँ, क्योंकि रोटर में भी हम लोग वाइंडिंग करते हैं इजी रखने के लिए, इसमें मैं रोटर डाल देता हूँ सबसे पहले। अब सीधी सी बात है, रोटर में भी क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे स्लॉट्स कटे होंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक सोलह कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतने सारे इसमें क्या है, स्लॉट्स कटे हुए हैं। अब देखिए मुझे इनके अंदर कॉइल डालना है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है कि जो कॉइल है इसका दो कॉइल साइड है, एक ए और एक आपका ए डैश। तो अब समझिए अगर आपने कॉइल को, या फिर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, अगर आपने इस वाले कंडक्टर को इस नॉर्थ वाले इस वाले स्लॉट में डाल दिया, ठीक है, यहां पे आपने एक प्लेस किया, ठीक है, इसके अंदर घुसा दिया ये वाले कंडक्टर को, और ये पीछे से अगर इसके अंदर घुसा दिया मतलब ये पीछे से बैक कनेक्शन होते हुए, और इसका जो दूसरा वाला जो सिरा है यानी ए डैश जो हिस्सा है, इसको आप कहां डाल रहे हैं, इस वाले कंडक्टर में डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यानी यहां पर डाल दिया आपने, मतलब समझिए ये अंदर तरफ छेद किया और ड्रिल है पूरा का पूरा, तो अंदर से तार घुस के पीछे से कनेक्ट होते हुए क्या होगा, इसमें से बाहर निकाल दे रहा है। ओके, तो देखिए ये नॉर्थ और साउथ, क्योंकि ये दो पोल है, तो अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस नापेंगे, सबसे पहले आप पोल पिच नापिए, पोल पिच कितना आ रहा है। ओके, तो सीधी सी बात है भाई, यहां से यहां तक नापिएगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री भी आपका 180 आएगा और मैकेनिकल डिग्री भी आपका 180 आएगा, क्लियर है, क्लियर है। पोल पिच जो है मेरा यहां पे
ये इलेक्ट्रिकल में भी देखेंगे तो 180 आएगा क्योंकि दो कॉइल में दोनों सेम होता है, ठीक है, मैकेनिकल में भी कोई आएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कॉइल पिचना होता है। कॉइल पिच क्या होता है? इस ए कंडक्टर और ए डैश कंडक्टर के बीच में दूरी, तो इसको भी हम लोग मैकेनिकल डिग्री में ही नापेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री में नापेंगे, तो आप नाप लीजिए। ए कंडक्टर आपने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, ए, और ए डैश आपने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, और ये ऐसे पीछे से घूमते हुए आ रहा है, तो इसको भी ऐसे ही नापना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस क्या आ रहा है आपका? 180 ही आ रहा है। इलेक्ट्रिकल में नापिए या फिर कहिए मैकेनिकल में नापिए, तो आप समझिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये कंडक्टर ए और ये आपका कंडक्टर ए डैश, ठीक है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस 180 आ जा रहा है इलेक्ट्रिकल में या फिर कहिए मैकेनिकल में, और दो पोल के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, इसको मैं बोलते हैं फुल पिच कॉइल, या फिर कहिए इसको हम लोग इस क्रूड डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये नॉर्थ, राइट, और ये आपका हो गया साउथ। तो यहां पे जो मैं डायग्राम बनाते रहता हूं हमेशा इस तरीके का, ये आपका एक कंडक्टर डाला हुआ है, ये आपका दूसरा कंडक्टर डाला हुआ, तो सिंगल का ये सिंगल टर्न कॉइल डाल रखा आपने, ठीक है। तो ये वाला जो कॉइल साइड देख रहे हैं भाई, ये कॉइल साइड क्या है इस तरीके से नॉर्थ वाले रीजन में, पूरे पूरे नॉर्थ जो पोल है आपका वहां पे एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला जो कंडक्टर है पूरा का पूरा साउथ के सामने एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको पता है कि इसको अगर हम लोग फ्रेम में बंद करें इस तरीके से, ठीक है भाई, ये दो पोल का मशीन है तो उसको बंद कीजिए ना फ्रेम में, स्टेटर का फ्रेम होगा अपना, समझ रहे बात को। तो ये नॉर्थ से साउथ के बीच में अगर आप डिस्टेंस नापेंगे तो 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री आएगा, जिसको मैं पोल पिच बोल रहा हूं, नॉर्थ से साउथ के दो एडजेसेंट पोल के बीच का दूरी। और भाई अगर आप कॉइल यानी कंडक्टर ए और कंडक्टर ए डैश का भी दूरी नापेंगे तो अगेन इसके लिए भी क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ के एकदम सामने पड़ा हुआ है और ये भी आपका एक तरीके साउथ के एकदम सामने पड़ा हुआ है। तो जब कंडक्टर ए और कंडक्टर ए डैश के बीच में डिस्टेंस एक तरीके से 180 के बराबर हो जाए, यानी जहां पे आपका नॉर्थ पोल है वहीं पे आपका कंडक्टर आ रहा है, जहां पे साउथ पोल है वहीं पे आपका दूसरा कंडक्टर आ रहा है, इसको बोलते हैं ना फुल पिच कॉइल, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री आ रहा है, फिर ये 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल में भी आ रहा है, राइट। ये किसके लिए था? दो पोल के लिए था, हम लोग चार पोल चाहते हैं। तो चार पोल के लिए अगर हम लोग बनाए नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी आपका रोटर डला होगा, इसमें भी स्लॉट्स होंगे, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई कि मेरे पास ये जो सिंगल टर्न का कॉइल है इसका एक कंडक्टर जो है मान लेता मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है, एकदम साउथ के एकदम सेंटर में बीचों बीच, और दूसरा जो ए डैश है ये पीछे से ऐसे अंदर घुसा हुआ, पीछे से कनेक्ट होकर बाहर निकल रहा है, यहां से उसको निकाल दे रहे हैं बाहर, ठीक है, क्लियर हो आप? तो अब ये दोनों यहां पे ए है यहां पे ए डैश है, तो इनके बीच में जो दूरी होगा अगर आप मैकेनिकल में नापेंगे तो सीधी सी बात है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ तक जा रहे हैं आप, या फिर इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक जा रहे हैं आप, तो मैकेनिकल डिग्री आपको कितना मिलेगा देखने को, मैकेनिकल डिग्री आपको यहां से लेके आता है कितना 90 डिग्री मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल में अगर आप नापते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपको अगेन क्या होगा 180 मिलेगा, क्लियर हुआ, समझ रहे बात को? यानी साउथ मतलब सीधी सी बात भाई, जो आपका पोल पिच आ रहा है वही आपका कॉइल पिच आ रहा है, ठीक है, पोल पिच आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में नापेंगे तो कितना आ रहा है 180, कॉइल पिच अगर आप इलेक्ट्रिकल में नापेंगे तो अगेन इसमें भी कितना आ रहा है 180 आ रहा है, क्लियर हुआ? और वही मैकेनिकल में नापते तो मैकेनिकल में 90 नॉर्थ से साउथ के बीच में दूरी, और कॉइल पिच में भी नापते हैं मैकेनिकल में तो अगेन 90 आ रहा है। यानी जब पोल पिच और कॉइल पिच, समझिए पोल पिच तो हमेशा कांस्टेंट है ना भाई, समझ गए, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपका, यहाँ पे आपका 90 होगा चार पोल के लिए या फिर 180 होगा, समझ रहे बात को? जब पोल पिच और कॉइल पिच बराबर हो जाए, अब यहाँ पे एक चीज समझिए ध्यान से, पोल पिच कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, चार पोल का अगर मशीन बनाना है तो ऐसा नहीं है कि साउथ पोल को आप और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में 90 से कम एंगल रख दीजिएगा, समझ रहे, सिमेट्रिक होना चाहिए, 90 ही होगा हमेशा इनके बीच में अगर आप मैकेनिकल डिग्री नापते हैं तो, और इलेक्ट्रिकल डिग्री नापेंगे तो सीधी सी बात है वो भी आपके 180 होता है, पोल पिच हमेशा कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर पी पोल मशीन के लिए, ठीक है। तो वही भाई कि पोल पिच और कॉइल पिच जब बराबर हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच कॉइल, ओके। और इसके लिए मैं यहां पे एक फोटो आपको समझाता हूं, बुक का फोटो, देखिए इस बुक में आप देखिए, आई होप
कि आपको ये दिख रहा होगा यहां पे भाई, ये क्योंकि देखिए यहां पे जो डिजाइन है थोड़ा दूसरा डिजाइन है, इसमें जो आपका मेन फील्ड है ना ये रोटर पे बना दिया गया है, ये नॉर्थ है ये साउथ है ठीक है, और स्टेटर में हम लोग कंडक्टर डाल रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए मेरे पास एक सिंगल टर्न का कॉइल था जिसको मैंने बोल दिया ए कंडक्टर है, इधर वाले को ए डैश बोल दिया ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर हम लोग डिस्टेंस नापेंगे यानी पोल पिच कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, दो पोल के मशीन में कितना आएगा 180 आएगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री भी 180 आएगा। अब कंडक्टर को भी देख रहे हैं, जो मेरा स्लॉट कटा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए डैश को मैंने डाला है यानी ये वाले कंडक्टर को डाला है और ए को मैंने यहाँ पे डाला, तो ए और ए डैश के बीच में जो दूरी नापेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा 180 ही मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में भी मैकेनिकल में भी, दो पोल का मशीन चल रहा है। तो ये पोल बीच कुछ नहीं, दो एडजेसेंट पोल के बीच का दूरी होता है ठीक है, सेंटर टू सेंटर नॉर्थ से साउथ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको पोल बीच बोलते हैं, और पोल बीच हमेशा क्या होगा दो पोल मशीन के लिए 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा ओके, या फिर कहिए मैकेनिकल डिग्री में भी वही आएगा। तो अगर जो आपका कॉइल है तो एक कंडक्टर एकदम साउथ के रीजन में डाल दे रहा है, साउथ के एकदम सामने डाल दे रहा है, और दूसरा जो कंडक्टर एकदम नॉर्थ के रीजन में डाल दे रहे हैं ठीक है, सामने सामने, मतलब जितना पोल पिच हो उतना ही आपका क्या हो जाएगा कॉइल पिच भी हो जाएगा ना, समझ रहे हैं, ये दूरी और ये दूरी देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में दूरी आएगा वही तो आपका यहाँ पे भी आ जा रहा है ए और ए डैश के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच कॉइल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है भाई, थोड़ा सा अगर ये यहीं पे समझा दूं, शॉर्ट पिच हम लोग उसको बोलते हैं, देखिए फोटो हम लोग फिर से इंपोर्ट करते हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको पोल पिच नॉर्थ से साउथ कॉइल स्पैन या फिर कहिए कॉइल पिच, ये भी कितने के बराबर आ रहा है 180 या फिर कहिए पाई भी आप लिख सकते हैं इसको ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये जो फर्स्ट फोटो है ये जो ई वाला फोटो है भाई, ई वाला कहाँ है इसमें लिखा हुआ है कहीं पे भी, इसमें ई का दिखाया नहीं है, तो ई जो है आपका ये फुल पिच कॉइल है। शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, शॉर्ट पिच कॉइल कुछ नहीं, अगर आपने एक कंडक्टर को नॉर्थ के सामने डाल दिया, एक कंडक्टर को नॉर्थ के सामने डाल दिया लेकिन जो ए डैश था वो साउथ में नहीं डाला आपने, साउथ के थोड़ा सा पीछे डाल दिया, यानी अगर हम यहाँ पे फोटो से समझे, देखिए यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा, ये मान लेते भाई नॉर्थ पोल था और ये मान लेते आपका साउथ पोल था ठीक है, या फिर न्यू पेज पे ले आते हैं ना, देखिए बुक वाले डायग्राम को ही लेकर के चलता हूं मैं, उसको प्रोजेक्टेड टाइप रोटर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ निकला हुआ है रोटर का जो मेन हिस्सा इतना ही, इतना बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पे नॉर्थ था यहाँ पे साउथ था ठीक है, और ये हो गया आपका स्टेटर, इसमें आपके बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। तो मान लेते हैं जो आपका ये जो कॉइल ए वाला और ए डैश वाला ठीक है, तो ए को मान लेते हैं आप यहाँ पे डाल देते हैं ठीक है, ए को आपने इसमें डाल दिया, इसमें बहुत सारे स्लॉट्स है भाई समझिए ना, स्लॉट्स है कटे वैसे क्लियर हुआ, ये सब क्लियर हो जाएगा आपका। तो ए को आपने यहाँ पे डाल दिया अगर नॉर्थ के सेंटर में, लेकिन जो आपका ए डैश है ए डैश को आपको यहाँ पे डालना चाहिए था, अगर आप यहाँ पे डालते इस स्लॉट में तो आपको क्या होता है हमेशा 180 मिलता है, फुल पिच कॉइल था ये क्योंकि पोल पिच के बराबर आ जा रहा है, लेकिन मान लेते आपने यहाँ पे डाल दिया इस वाले स्लॉट में डाल दिया क्लियर हुआ, यानी यहाँ पे आपका ए डैश आ गया। तो अब जब नापिएगा ए से ए डैश के बीच में दूरी तो कभी भी 180 के बराबर नहीं आएगा या फिर कहिए पोल पिच के बराबर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका शॉर्ट पिच कॉइल हो गया क्योंकि पोल पिच से पीछे रह गया ये ठीक है। और वही अगर हम लोग मान लेते हैं कंडक्टर ए डैश को या फिर ए को यहां पे डाल रहे हैं नॉर्थ के एकदम सेंटर में, और जो ए डैश है भाई ए डैश को हम लोग मान लेते हैं आगे में डाल दे रहे हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया इस वाले स्लॉट में, तो सीधी सी बात है ये अब जो डिस्टेंस होगा ए और ए डैश के बीच में ये 180 से बड़ा आ जाएगा ठीक है, यानी पोल पिच से बड़ा हो गया, तो पोल पिच से बड़ा हो गया इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे ये आपका लॉन्ग पिच पॉइंट है ओके। तो दो पोल का आपको क्लियर हो गया होगा, चार पोल का भी मैंने आपको समझा दिया, चार पोल में वही है कौन सा भाई नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ओके। तो अगर आपने एक कंडक्टर को यहां पर रखा मतलब ए को ठीक है, और ए डैश को अगर आपने यहां पर रख दिया
तो ये हो गया मेरा फुल पीच कॉइल, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रहा है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, या फिर कहिए मैकेनिकल डिग्री हो गया अगर आप नापना चाहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि फोर पोल मशीन के लिए दो एडिशनल पोल के बीच में दूरी 90 डिग्री है और कॉइल बीच में भी मैकेनिकल डिग्री 90 डिग्री आ जा रहा है, तो क्या ये फुल पीच कॉइल है। ओके, लेकिन सहूलियत होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री में नापने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन वही मान लेते हैं भाई, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा मैं रिवर्स करता हूँ, ये तो फुल पीच कॉइल का कॉन्सेप्ट बता दिया, मान लेते मैंने यहीं पे डाल दिया, यहाँ पे एक स्लॉट था रोटर के अंदर, इसी में डाल दिया मैंने ए डैश को, तो अब क्या हो जाएगा, अब इनके बीच में जो दूरी होगा ये चेंज हो जाएगा मैकेनिकल में भी और इलेक्ट्रिकल में भी। फोर पीच तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, बता दिया मैंने, हमेशा कॉन्स्टेंट है, ये कसम खा रखा है, ये अपना पोजिशन चेंज नहीं करता, क्योंकि ये क्या फिजिकल एक तरीके से लोकेशन है। लेकिन जो कॉइल हम लोग डालते हैं रोटर के स्लॉट में, पिस्टन के स्लॉट में, वो तो हम लोग पर डिपेंड होता है ना, तो हम लोग किसी में भी डाल सकते हैं, क्लियर हुआ। तो अगर आपने इसमें डाल दिया तो फोर पीच तो आपका यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा मैकेनिकल में अगर आप नापते हैं तो, ठीक है। लेकिन कॉइल साइड में यानी ए और ए डैश में आप क्या हो जाएगा, कभी भी 90 डिग्री नहीं आएगा मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें तो 180 नहीं आएगा, 180 से कम आएगा एक तरीके से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीच कॉइल, क्लियर हुआ। और वही अगर हम लोग छह पोल की बात करें, नॉर्थ साउथ ठीक है, इसके इसके सामने कर लेते हैं और एक इसके इसके सामने कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ, क्लियर हुआ। तो छह पोल में देखिए, ये तो हमेशा कसम खा रखा है, इनके बीच में अगर आप मैकेनिकल में नापिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 45 या 60 डिग्री आएगा, ठीक है, 60 डिग्री आएगा आपका। लेकिन अगर आपने एक यहां पे कंडक्टर रख दिया ए को और ए डैश को यहां पे रख दिया सेम कॉइल के लिए, ठीक है, सेम कॉइल होना चाहिए हमेशा, ठीक है, यही कॉइल के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, ए और ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल पीच कॉइल हुआ। लेकिन वही, क्योंकि यहां पे आपका मैकेनिकल डिग्री क्या आ रहा है दो कंडक्टर के बीच में 16 तो आ रहा है मैकेनिकल में नापिएगा, तो इलेक्ट्रिकल में नापिएगा तो 180 आएगा, ठीक है, मतलब दोनों बात सेम ही है भाई, ओके ना। तो अब जैसे मान लेते यहां पे अपना डाल के यहां पे डाल दे रहे पहले वाले स्लॉट में डाल रहे ए डैश को, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, कभी भी 60 डिग्री मैकेनिकल नहीं मिलेगा आपको, यानी शॉर्ट पीच कॉइल हो गया, इलेक्ट्रिकल में भी नापिएगा तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा शॉर्ट पीच कॉइल क्या होता है, फुल पीच कॉइल क्या होता है और लॉन्ग पीच कॉइल क्या होता है। तो वापस हम लोग अपने बुक के पेज पे आते हैं, देखिए ये आपका फुल पीच कॉइल है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच होगी आपका ये कंडक्टर भी आ जा रहा है और ए डैश, ये आपका शॉर्ट पीच कॉइल है। अब कितने से शॉर्ट है ये, कितने से शॉर्ट है, जैसे ये फोर पीच की बात करें तो 180 था, ये हमेशा 180 रहेगा, लेकिन ये क्या होगा इतना सा शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये मान लेते इतना दूरी जो है आपका 150 एंगल, मतलब इलेक्ट्रिकल में जब माप रहे हैं कैसे नापते सब हम लोग बात करेंगे, 150 आ रहा है, तो ये जो हुआ ये कितने से एक तरीके से छोटा हो गया, 30 डिग्री से एक तरीके से छोटा हो गया इलेक्ट्रिकल में, इसी को बोलते हैं लोग कोडिंग एंगल। कोडिंग एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्मोनिक को रिमूव करने के लिए, किसमें, अल्टरनेटर में। तो ये आज का पूरा सेशन क्लियर हो गया, आई होप कि ये डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं, ए वाला क्या बोलता है, कोई मतलब नहीं भाई, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सबसे मैं आपको समझा दिया है। ओके, और कॉइल स्पैन अगर आपको निकालना हो, अभी ऐसा फॉर्मूला कोई मतलब नहीं बनता भाई, क्योंकि बेसिक तरीके से आपने समझ लिया कॉइल स्पैन मतलब दो कंडक्टर के बीच में कितना दूरी है। तो क्या कीजिएगा, अगर शॉर्ट पिच कॉइल कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि 180 में से जो भी आपका, जैसे हम लोग का यहाँ पे 180 था, मतलब दो एडजेंट पोल के बीच में दूरी कितना था, 180 था। अब 180 में आपको पता चलेगा 30 डिग्री मैंने छोटा कर रखा, 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 150 आपका क्या है कॉइल स्पैन, यानी ए और ए डैश के बीच में आपका दूरी है। तो क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा। अब हम लोग लास्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं ये होता है आपका कॉइल पिच फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉइल पिच फैक्टर। तो फैक्टर कहीं पे भी लिखा होगा ना, तो समझिए ये कंपेयरिंग कंपेयर किया जा रहा है भाई, ठीक ना। सबसे पहले मेरे को बताइए इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉइल पिच डिवाइडेड बाय आपका होता है पोल पिच। मेरे को एक चीज बताइए, ये भी दूरी है, दो कंडक्टर के बीच में दूरी नापने का तरीका है, ठीक ना, मैं इलेक्ट्रिकल डिग्री में नापिए मैकेनिकल डिग्री में नापिए, राइट। और जो पोल पिच है भाई, पोल पिच भी तो डिस्टेंस ही है, राइट, इसका भी थीटा आएगा यूनिट,
इसका भी थीटा आएगा, यूनिट इसका भी थीटा आएगा, तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगी यूनिट लेस क्वांटिटी। है सबसे पहली बात, कहीं भी फैक्टर आ गया तो कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किससे करते हैं बताइए, एक मीटर का जो डिस्टेंस है, एक मीटर क्या है, एक मीटर या फिर कहिए हम लोग कंपेयर किसको करते हैं, किसी चीज को रेफरेंस मान के। जैसे लाइट का स्पीड जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, करोड़ों करोड़ों साल भी आप आगे बढ़ जाइए पीछे चले जाइए, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वो कभी भी चेंज नहीं होता है, राइट। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दूं, जैसे भाई हम लोग अगर 1 kg फ्रूट्स खरीद के ला रहे हैं, मान लेते 1 kg एप्पल खरीद के ला रहे हैं आप, तो 1 kg का जो लोहे का बटकारा होता है उससे हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे तराजू बनाऊं, उसको आप समझिए हम लोग का वेइंग मशीन है, तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग का ये आयरन का 1 kg का वो वेट है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड वेट मान के चल रहे हैं, और इसी को कंपेयर करके इधर एप्पल चढ़ाते जाएंगे चढ़ाते जाएंगे चढ़ाते जाएंगे, कब तक, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा 1 kg, राइट। लेकिन ये जो आपने मेजरमेंट यूज किया 1 kg, ये हो सकता है भाई 4-5 साल के बाद क्या हो, इसके अंदर से लोहा थोड़ा बहुत टूट टूट के नीचे गिर जाएगी, ये फिर 1 kg ना रह करके कम हो जाएगा, इसका जो वजन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं एप्पल इधर तौल रहे, तो आपका जो मेजरमेंट आएगा वो गलत हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जैसे अगर हम लोग को स्पीड नापना है, ठीक ना, या फिर ये डिस्टेंस नापना भाई, तो डिस्टेंस के हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो लाइट ईयर जो है, या फिर कहिए आपका जो स्पीड नापना है, ठीक है, तो स्पीड लाइट ऑफ स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो कभी भी खराब नहीं हो सकता है, 10 साल बाद 20 साल बाद लाइट का स्पीड कभी चेंज थोड़ा ना होगा, समझ। हम लोग कंपेयर जब भी करना होता है तो कंपेयर भाई हम लोग एक ऐसे पैरामीटर से कंपेयर करते हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे। ये केजी 1 kg का जो आयरन का बटकारा है ये ज्यादा हार्ड होता है, ये जल्दी टूटता नहीं एक तरीके से, ठीक है, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसको भी हम लोग कहां से लेकर के आए, तो ये आप पढ़िएगा फिजिक्स में, जो फंडामेंटल पढ़िएगा, तो वहां पे एक आपका क्या हो, मतलब एक लेबोरेटरी में आपका रड रखा हुआ है, उस रड का जो भी वजन है उसी का हम लोग बोलते हैं 1 kg, ठीक है, उसी का मतलब सैंपल निकाल के इस तरीके से आयरन में हम लोगों ने कर रखा है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा मेजरमेंट ये सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये फिजिक्स का क्लास तो है नहीं, अभी बेसिक साइंस तो है नहीं, तो वही चीज है। अब यहाँ पे देखिए ये पोल पिच क्या है, पोल पिच आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है हमेशा, हर एक पी पोल मशीन के लिए इलेक्ट्रिकल में 180 है, समझ के बात कोई, अभी मैकेनिकल में दिखाना चाहते तो मैकेनिकल में दिखा दीजिए आप। तो देखिए इसको मैं 180 अगर मान लूं, पोल पिच हमेशा 180 रहेगा, लेकिन कॉइल पिच अगर फुल पिच में रखता हूं, ठीक है, तो फुल पिच भी मेरा 180 आएगा, तो कट भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा। यानी जब कॉइल पिच फैक्टर 1 आ गया आपका, इसका मतलब क्या है कि आपने वहां पे कौन सा कॉइल यूज किया है, फुल पिच कॉइल यूज किया है। वही अगर मान लेते 180 ना रखे, मैं 150 रखता, ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका बड़ा है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा लेस देन यूनिटी आएगा, ठीक है, लेस देन यूनिटी। यानी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या है, शॉर्ट पिच कॉइल यूज किया गया। अगर वही मैं मान लेते हैं यहाँ पे मैं 190 लिख देता हूँ भाई, ठीक है, 190, यानी अब क्या हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कॉइल पिच फैक्टर का ग्रेटर देन यूनिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे लॉन्ग पिच कॉइल यूज किया है, ओके। तो ये है आपका कॉइल पिच फैक्टर, कुछ नहीं यूनिटलेस डायमेंशन होता है, मतलब क्या है कंपेयर करना, कंपेयरिंग करते हैं इससे, क्लियर हुआ। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, हम लोग का कॉइल टर्न्स, कॉइल साइड स्लॉट, पोल पिच, कॉइल पिच, शॉर्ट पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल, लॉन्ग पिच कॉइल, कॉइल पिच फैक्टर, और यहीं पे मैंने लिखा था कंपेयरिंग होता है इसका मतलब। तो आज का सेशन खत्म हो गया भाई, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा।